Okay, good morning students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So in the second part of the revision of chapter matrices, we will cover the topics transpose, symmetric, skew symmetric and थोड़ा बहुत inverse भी देख लेंगे. Although course में नहीं है but time मिलेगा तो उसको भी देख लेंगे. At least है क्या ना. ठीक है, start करते हैं. तो transpose of a matrix. Transpose करने का मतलब होता है horizontal को vertical करना एंड वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करना. अगर आप एक्सेल शीट्स यूज करते हैं, एमएस एक्सेल, हरा जाइए वाला दरवाजा लगा दो. अगर आप एमएस एक्सेल शीट्स यूज करते हैं या उन चीजों से कभी पाला पड़ा है आपका या पढ़ता है तो आपने देखा होगा वहां पे ट्रांसपोज का ऑप्शन आता है. ये टेबल, टेबल का भी ट्रांसपोज होता है. इफ ए टेबल इज इन द दिस वे इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू दिस वे हॉरिजॉन्टली, अदरवाइज इट कैन बी कन्वर्टेड हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली. तो उस चीज, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज करना. क्या करना? ट्रांसपोज. सिमिलरली मैट्रिक्स क्या है? एक टेबल ही तो है. और क्या है? क्या है? एक टेबल ही रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है तो वो लेंथ का ब्रेथ में, ब्रेथ का लेंथ में कन्वर्ट हो सकता है. रीड आउट करते हैं. कॉन्सेप्चुअली ये कहता है, द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए. इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स ही मिलेगी. That is obtained. कैसे मिलती है? By interchanging the rows and columns of the matrix, right? Rows, row को column. R1 transform to C1, C1 transform to R1, R2 transform to C2, C2 transform to R2. Similarly, in this sense, जितने भी rows and columns हैं, they are interchanged each other, है ना? The matrix obtained is called the transpose of a matrix. इसको denote कैसे कराते हैं? या तो टी लिख दो उसके ऊपर या फिर डैश लगा दो. इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए के ऊपर टी लिख दो. ये थोड़ा सा अनकॉमन मेथड है यूज करने वाला, ये मोस्ट कॉमन मेथड है जिससे अपन ट्रांसपोज को डिनोट कराते हैं. ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर बात करें, अगर ए इक्वल्स टू ये वाली एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? आई जे ट्रांसफॉर्म्ड टू जे आई, बिकॉज रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज ना. और अब जो मैट्रिक्स बनेगी, अगर वो एम रोज और एन कॉलम से बनी थी तो अब वो कैसी बनेगी? एन रोज और एम कॉलम से बनेगी. उसका ऑर्डर भी बदल जाएगा. अगर 2x3 की मैट्रिक्स थी ओरिजिनल तो ट्रांसपोज होने के बाद वो 3x2 की रह जाएगी. ये 3x2 की थी तो 2x3 की रह जाएगी. ठीक है, ट्रांसपोज समझ में आया. अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सुनो. पहली प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज कर दो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगी. अगर मैंने रोज को कॉलम्स में बदल दिया, अगेन कॉलम्स को रोज में बदल दिया तो सेम वही मैट्रिक्स मिल जाएगी. तो ए डबल डैश, ए डैश का भी डैश क्या हो जाता है? ए हो जाता है. सिंपल है, आगे चलते हैं. अगर किसी मैट्रिक्स से किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है. ऑब्वियसली देखो ट्रांसपोज में हो क्या रहा है, रोज एंड कॉलम्स ही तो चेंज हो रहे हैं, और कुछ हो रहा है क्या? अब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें रोज वाले एलिमेंट्स भी मल्टीप्लाई होंगे और कॉलम्स वाले भी एलिमेंट्स मिल गए तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं मान लो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले बदल के मल्टीप्लाई कर लो या पहले मल्टीप्लाई करके बदल लो, कुछ फर्क पड़ेगा? तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो, यही सम कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी. हाँ, एडिशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑब्वियसली ये दोनों ऐड हो पा रहे हैं तो दोनों सेम ऑर्डर के तभी हो पा रहे हैं. तो मान लो ये 3x5 ऑर्डर की है और ये भी 3x5 ऑर्डर की है, ऐड करके भी 3x5 ऑर्डर मिलेगा और उस फिर ट्रांसपोज कर रहे हो तो फिर ट्रांसपोज करके 5x3 ऑर्डर की चेंज हो जाएगी. और अगर इस तरीके से करते हो, पहले 3x5 को 5x3 कर दो, पहले 3x5 को 5x3 कर दो और फिर ऐड कर दो तो अगेन 5x3 की मिलेगी, तो सेम ही मिलेगी. एडिशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में फर्क पड़ता है. बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में क्या सिस्टम होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो अगर मैंने इंटरचेंज कर दिया तो अब फर्स्ट रो पे वो रो नहीं मिलेगी मुझे और कुछ मिलेगा, तो नंबर चेंज हो जाएंगे. नंबर चेंज हो जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन करके जो सम अप करते हैं, नई मैट्रिक्स बनाते हैं, वो मैट्रिक्स ऑब्वियसली चेंज होगी. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि ए इंटू बी करके अगर ट्रांसपोज करें, ठीक है, और B का ट्रांसपोज करके A के ट्रांसपोज करके और फिर मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है. तो AB का होल डैश इक्वल टू B डैश इनटू A डैश, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है एंड दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट.
ठीक है ना, जो एग्जाम में आने लायक चीज है वो ये है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या, बी डैश मल्टीप्लाइड बाय ए डैश। ठीक है, बॉटल, ठीक है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश मल्टीप्लाइड बाय ए डैश। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है यहां, बिल्कुल। देखो एडिशन एंड डिफरेंस आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, क्या है डिफरेंस, क्या है एडिशन ही तो है, बस नेगेटिव कर दो, हाँ नेगेटिव कर दो मीन्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो के माइनस वन मान लो, के माइनस वन मान लो तो प्रॉपर्टी इधर फॉलो हो गई, और के माइनस वन करके ऐड कर दी, सपोज करो मैंने कहा कि ए माइनस बी का होल डैश, क्या लिख सकते हो बेटा इसको, ए प्लस माइनस वन इंटू बी का होल डैश लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो। अब डैश लगने से मल्टीप्लीकेशन वाले, ये कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एंड एडिशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ दोनों ही तो चीज हो रही है, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई और फिर एडिशन, तो ऑब्वियसली ए माइनस बी का होल डैश क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस बी डैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, देखो सिंपल वर्ड्स में बात करें, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वही मैट्रिक्स आ जाए, क्या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वही मैट्रिक्स आ जाए, इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें उसका नेगेटिव आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाए, यानी एलिमेंट सारे अंदर नेगेटिव हो जाए, माइनस थे तो प्लस में हो जाए, प्लस थे तो माइनस, सारे के सारे एलिमेंट्स, then it is said to be as skew symmetric matrix। ठीक है ना, अब वो इसके conceptually इसने खुद तरीके से दे रखा होगा, बट ले दे के बात यही है ना, these properties, first of all these properties are applicable only on, सबसे पहले यानी अगर कोई भी symmetric या skew symmetric matrix है तो first of all वो square matrix जरूर होगी, first of all वो क्या होगी, square matrix जरूर होगी, बाद में वो symmetric या skew symmetric होगी या नहीं होगी वो दूर की बात है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, ऑफ ऑर्डर एम बाई एन गलत लिख दिया ना, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो m by n क्यों होगी, n by n ही होगी ना, स्क्वायर होगी ना, होगी नहीं होगी, is said to be symmetric if it is equal to its transpose, तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है तो कुछ चेंजेस करो, करेक्शन करो, n by n करो, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपने भी किया हुआ है तो आप भी करो, ऑब्वियसली आपने भी किया हुआ होगा, is said to be a symmetric matrix, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो ऑर्डर n की है, ऑर्डर n कहूंगे, ऑर्डर n by n कहूंगे, एक ही बात है, उसको मैं सिमेट्रिक कब कहूंगा, जब वो उसी के ट्रांसपोज के बराबर होगी, जब वो उसी के ट्रांसपोज के बराबर होगी, कॉन्सेप्चुअली बात करें तो ए शुड बी इक्वल टू, अब ए मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं अपन, ऐसे डिनोट कराते हैं, ठीक है, ए डैश को अभी अभी मैंने डिनोट करा के बताया था, जे आई करके और ऑर्डर उल्टा कर देते हैं, बट यहाँ पे ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों जगह एन बाई एन ही होगा, उल्टा होने के बाद भी वो एन बाई एन ही होगा, शुरू में भी एन बाई एन ही होगा और उल्टा होने के बाद भी वो n by n ही होगा, फॉर ऑल i रेंजिंग फ्रॉम i टू m एंड फॉर ऑल j रेंजिंग फ्रॉम i टू, वो सॉरी i नहीं, 1 टू m एंड 1 टू n, और वापस इसको दोनों को n कर दो, है ना, ऑल्सो m इक्वल्स टू n, वैसे आखिरी में लिख दिया था हमने, पर क्यों फालतू बात को लंबा खींचे, ये लो हटा दो और ये भी हटा दो, फॉर ऑल i एंड जे, अच्छा जे तो रखना पड़ेगा ना, जे वाली बात तो लिखनी पड़ेगी, फॉर ऑल आई एंड जे रेंजिंग फ्रॉम वन टू एन, ठीक है, आई और जे मतलब पोजीशन, रोथ एंड कॉलम, तो वो पोजीशन वन टू एन में किसी भी पोजीशन पे ले लो वो चीज साबित होनी चाहिए, आई जे जे आई के बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स ए वन टू शुड बी इक्वल टू ए टू वन, ए थ्री टू शुड बी इक्वल टू ए टू थ्री, ए फाइव वन शुड बी इक्वल टू ए वन फाइव, ठीक है, रो कॉलम एक्सचेंज करेंगे यानी कि रोज और कॉलम की पोजीशन चेंज हो जाएगी, आई जे बिकम्स जे आई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी बताई दिया आपको सिंपल लैंग्वेज में, तो
एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो पुट इट एन बाई एन, इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दर्जा दे सकते हैं, कब, जब वो इक्वल हो द नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। इफ इट इज इक्वल टू द नेगेटिव, ऑब्वियसली देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकता हूं जब वो इक्वल हो। उधर तो लिखा था खुद के ट्रांसपोज से, इधर लिख रहा हूं खुद के ट्रांसपोज के नेगेटिव से। अब सुनो मेरी बात सुनो, खुद के नेगेटिव से नहीं, खुद के ट्रांसपोज के नेगेटिव से। ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव बन जाए, ऐसे कहा था मैंने, ट्रांसपोज बनने के बाद, करने के बाद, खुद के बराबर हो तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज करने के बाद खुद का नेगेटिव दिखाई दे तो स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा कहा था ना। तो सुनो, एक ही चीज है, बस अपन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। मान लो एक मैट्रिक्स है, मैंने इसका क्या कर दिया ट्रांसपोज, तो ये कैसी दिखाई दे, खुद के नेगेटिव के बराबर, ये चीज कह रहा हूं मैं। अब मैं इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर सकता हूं, तो मैंने क्या कहा अभी अभी, क्या कहा, एक मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर है, एक मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर है, तो ये बात कहूं, या एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के बराबर है, ये बात कहूं, दे आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, क्लियर है। अब उधर वो बात कही हुई है, इसलिए अपन कंफ्यूज हो रहे हैं। स्टार्ट उसने इस बात से किया है कि इफ इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, खुद के ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल है, और इन अदर वर्ड्स इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, बात वही आ गई, दोनों बातें कह दी चलो उसने, है ना, या तो वो खुद के ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर हो या इसका नेगेटिव उसके ट्रांसपोज के बराबर हो। नेगेटिव साइन को तो किधर भी शिफ्ट करो ना, खुद पे ओरिजिनल पे शिफ्ट करो या इसके ट्रांसपोज पे शिफ्ट करो, बात एक ही है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब कॉन्सेप्चुअली देख लो, ए विल बी इक्वल टू ए, देखो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, ठीक है, द नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, या फिर यूं कहूं इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कुछ भी नहीं हुआ है, ये माइनस साइन इधर शिफ्ट हो गया है, तो माइनस ए और ए डैश बराबर हो गए, माइनस ए ए डैश बराबर हो गए, ए डैश माइनस ए बराबर हो गए, ठीक है, इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। इसको फिर कॉन्सेप्चुअली लिख दिया इन्होंने, इसको करेक्ट कर देते हैं, एन बाई एन, एन बाई एन कर देते हैं, जगह चलो देखो, ए डैश को ऐसे डिनोट कराओगे आप, ए डैश को ऐसे डिनोट कराओगे, सॉरी ये इसका कॉन्सेप्चुअल मतलब मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, ए ओरिजिनल मैट्रिक्स, ए माइनस ए ऐसे डिनोट कराओगे, अंदर वाले एलिमेंट्स माइनस हो गए, और डैश किया मैंने तो डैश किया तो आई जे बिकम्स जे आई, और ये इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, पहले ट्रांसपोज कर दिया दैट मीन्स आई जे बिकम्स जे आई, और नेगेटिव कर दिया माइनस ऑफ ए आई जे, दोनों का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, फॉर ऑल आई रेंजिंग फ्रॉम वन टू अगेन एम, फॉर ऑल आई रेंजिंग फ्रॉम वन टू एन, एंड फॉर ऑल जे रेंजिंग फ्रॉम वन टू एन, ठीक है ना, आई भी वन से लेके एन तक रेंज कर रहा है और जे भी वन से लेके एन तक रेंज कर रहा है, वहां भी ऐसे लिखा था, ठीक है, क्लियर है, चलते हैं। अब सुनो ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, इस चीज को हमेशा याद रखना है, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए विच मैट्रिक्स, skew symmetric matrix, not the symmetric matrix, all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are equal to zero. कोई कहे ऐसा क्यों, prove करो, कोई कहे ऐसा क्यों, prove करो, बहुत ही easy language में prove कर सकते हो, देखो कैसे prove किया हुआ था मैंने, diagonal elements की बात हो रही है, तो diagonal elements में i और j बराबर होते हैं, yes or no, तो ऊपर से कुछ भी जो दो mathematical interpretation थे उसमें से कोई भी एक उठाओ, suppose करो मैंने फर्स्ट वाला उठा दिया, फर्स्ट वाला यही था शायद, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, चेक कर लो, फर्स्ट वाला मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन यही तो था, ए आई जे नहीं, ये वाला सेकेंड वाला, सॉरी ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे,
ठीक है, इसको उठाया मैंने। अब डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे को इक्वल करूंगा मैं, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जे को भी आई लिख दिया और यहां पर भी जे को भी आई लिख दी, तो ये क्या हो गया, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। इस माइनस ए आई आई को उठा के उधर पुटअप किया तो ये क्या हो गया, ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू जीरो, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू जीरो, तो ए आई आई इक्वल टू जीरो बाई टू दैट इज इक्वल टू जीरो। यानी इस तरह के एलिमेंट सारे के सारे जीरो मिलेंगे, ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री ए फोर फोर, दैट मीन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। फाइन, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब यहाँ पे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो हमको ध्यान में रखनी, ठीक है। देखते हैं थ्योरम नंबर वन, व्हाट डज इट से। थ्योरम नंबर वन कहती है कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके साथ उसका ट्रांसपोज जोड़ोगे तो सिमेट्रिक मिलेगा, और उसके साथ उसका ट्रांसपोज घटाओगे तो क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ूं तो कोई भी मैट्रिक्स मिलेगी मुझे, मान लो वो बी मैट्रिक्स मिल रही, तो वो बी मैट्रिक्स हर हाल में कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, दैट मीन्स उसका ट्रांसपोज और वो खुद बराबर होंगे अगर ऐड किया है तो। और अगर घटाया है किसी मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज घटाया है, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली सिमेट्रिक बनानी है उसमें, तो क्या मिलेगा बदले में, जो भी मान लो सी मैट्रिक्स मिलती है वो हर हाल में क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक को पहचानना या बदलना या देखना के लिए एक शॉर्टकट बताया था, कोई याद हो तो, थ्री बाय थ्री में बताता हूं मैं ना, टू बाय टू में तो बहुत आसान दिखता है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, देखना ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग। ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके बस, ये तीन एलिमेंट्स अगर आपस में इक्वल है, तीन पेयर अगर आपस में इक्वल है, तो ये हमेशा क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक की शॉर्टकट मैंने बताई थी, डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो है उसमें, अभी प्रूव कर लिया हमने डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या है, जीरो। अब ये इसका नेगेटिव दिखाई देना चाहिए, उधर तो बराबर दिखाई देना चाहिए, इधर नेगेटिव, सिमिलरली ये भी इसका नेगेटिव और ये भी इसका नेगेटिव, ये तीन बातें हमको ध्यान में रखनी है। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जीरो। अगर ऐसी मैट्रिक्स है हमारे पास तो आई विल से इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये शॉर्टकट्स है। तो थ्योरम याद हुई दोनों, फर्स्ट थ्योरम क्या बोलो, कोई तीसरी मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक होगी, ऐसे मत याद रखना, कई बच्चे ऐसे याद रख लेते हैं कि उसको उसके ट्रांसपोज से जोड़ा तो वापस ए मिलेगा, एक बार एक बच्चा ऐसे लिखता है कि एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से जोड़ो तो वापस वही मैट्रिक्स मिलेगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं, एक मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज को जोड़ो तो कोई तीसरी मैट्रिक्स निकलेगी, दूसरी तीसरी, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी हर हाल में, ठीक है। और किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को घटा दो तो भी कोई दूसरी तीसरी मैट्रिक्स आंसर में मिलेगी जो उस मैट्रिक्स से बिल्कुल एंटायर डिफरेंट होगी, बट वो जो भी होगी इट विल बी 100% एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है थ्योरम नंबर वन। थ्योरम नंबर टू क्या कहती है कि अगर मुझे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे दो, मुझे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा प्रूफ्स भी इनके, लो प्रूफ्स भी देख लो अगर है तो शॉर्ट में। पहले का प्रूफ देखो, अगर मैंने किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ा, बदले में एक मैट्रिक्स मिली बी, अब ये जो तीसरी मैट्रिक्स मिली है ये कैसी मिली है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जो खुद के चेक करते हैं कि है या नहीं है, चेक करते हैं ये खुद के ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं। तो मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, बी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस ए डैश, तो एक तरीके से ए प्लस ए का होल डैश किया। अभी अभी अपन एडिशन ट्रांसपोज की एडिशन प्रॉपर्टी सीखी थी, तो उसमें अलग अलग ट्रांसपोज हो सकता है, ए का अलग हुआ और ए डैश का अलग हुआ, ए डैश तो एज इट इज हो गया, ए डबल डैश क्या हो गया, ए कॉम्यूटेटिव भी होता है, अगेन ए प्लस ए डैश लिख दिया, अगेन बी मिल गया, तो बी डैश इक्वल्स टू बी मिल गया, दैट मीन्स बी, ये जो तीसरी मैट्रिक्स मिली है बी, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी,
क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी देख लेते हैं. तो ए माइनस ए डैश करना है मुझे, सो बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश इज ए क्यू इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब ए माइनस ए डैश करना है तो उसको कोई तीसरी मैट्रिक्स मान ली मैंने सी. अब इसका ट्रांसपोज करके देखता हूँ भाई क्या मिलता है. इसका ट्रांसपोज माइनस सी मिलना चाहिए है ना, तभी ये इसकी सिमेट्रिक होगी. तो इसका ट्रांसपोज किया, दैट मीन्स ए माइनस ए डैश का होल डैश किया, ए का डैश ए डैश, ए डैश डैश का डैश क्या हो जाएगा ए हो जाएगा. अब ए डैश माइनस ए में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये चेंज होके अंदर आ जाएंगे ए माइनस ए डैश. हाँ माइनस साइन अपनी जगह है और ये तो सी है भाई. अगर a माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी और b माइनस ए अगर दो एक्सप्रेशन है मेरे पास, तो आई कैन से ना कि एक ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के नेगेटिव है, उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो b माइनस ए बन सकता है, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो a माइनस. तो वो की वही चीज मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स a माइनस ए डैश है, यहाँ आते आते वो a डैश माइनस ए हो गई, तो मैंने माइनस साइन कॉमन लेके इसको वापस a माइनस ए डैश बना दिया, नहीं माइनस सी बन गई. तो ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो गया. Therefore, it is a skew symmetric matrix. ठीक है. अब theorem number 2 क्या कहती है, पहले तो सुनो. ये कहती है कि कोई भी square matrix हो, specific question आता है, लेकिन वो subjective आता है. अब objective में कैसा आएगा वो देखेंगे अपन sample paper में. कोई भी square matrix हो, उसको आप दो matrices के sum के रूप में लिख सकते हो. इस तरीके से लिख, अब आप कहोगे सर वो तो हम वैसे ही लिख देंगे. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एलिमेंट्स को ब्रेक कर दो, कुछ भी कर दो, बस सम होके वो होना चाहिए. बट द मेन थिंग इज दैट कि जब अपन उसको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख रहे हैं तो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए. तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी ऑफ ऑर्डर, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर की, 2x2 की, 1x1 की, 3x3 की, 4x4 की, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है. दैट मीन्स लिखा जा सकता है इसका सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख के बताओ, उसको लिख के बताओ. तो उसको करने के लिए हमारे पास एक तरीका है. कोई भी मैट्रिक्स मिलेगी आपको, ठीक है, इसका कर दो ट्रांसपोज, कर दोगे आराम से, फिर इसको और इसको जोड़ दो, जोड़ दोगे, इसको इसको घटा दो, मतलब एक बार सम ले लो एक बार डिफरेंस ले लो, कर दोगे, फिर जो भी मैट्रिक्स मिली इसका हाफ कर दो, हाफ कर दो, कर दोगे ना, 1/2 से डिवाइड कर दो सारे एलिमेंट्स को. हाफ करने का मतलब हाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है. इसका भी कर सकते हो, कर सकते हो. अगर मैं अब जो मैट्रिक्स मिली है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ए के साथ ए डैश जोड़ा था तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमेट्रिक, अगर पहले थी तो बाद में सिमेट्रिक होगी. ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अब ये भी प्रूव किया है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. और ताज्जुब की बात यह कि इन दोनों को ऐड करने से ए मिल सकता है, चेक करो, इसको इसको पूरे को ऐड करने से ए मिल सकता है, चेक करो. हाफ है प्लस हाफ है ए, हाफ ए डैश माइनस हाफ ए डैश को कैंसिल आउट, तो हाफ ए प्लस हाफ ए मिल गया. तो दैट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे दो मैट्रिक्स में ब्रेक किया जा सकता है जिसमें एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक. कैसे, उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करके हाफ कर दो वो तो बनेगी सिमेट्रिक, उसके ट्रांसपोज के साथ डिफरेंस करके हाफ कर दो वो बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इन दोनों का सम हमेशा ए आता ही है. ठीक है, ठीक है. तो देख लेते हैं नीचे क्या कह रहा है, वही जो मैंने कहा वही होगा. देख लो, ए लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर विद रियल एंट्रीज. ओके, तो एक बी एक मैट्रिक्स मान ली जो ए और ए ट्रांसपोज का सम है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सी कोई दूसरी मैट्रिक्स मान ली जो ए और ए ट्रांसपोज का डिफरेंस है और वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. फिर बी का हाफ किया, दैट मीन्स इसका हाफ हो गया. अच्छा, बी का हाफ किया दैट मीन्स ए प्लस ए डैश का हाफ किया, तो क्योंकि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक था तो इसका हाफ भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्योंकि a माइनस ए डैश वॉज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो देयरफॉर हाफ ऑफ a माइनस ए डैश इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
अब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों को सम करके ए आना चाहिए, जो देख लो आ ही जाएगा। बी को पुटअप करो तो हो गया ए प्लस ए डैश, सी को पुटअप करो तो हो गया ए माइनस ए डैश, ये हो गया हाफ ए, हाफ ए डैश, हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, ये कट गया, हाफ ए प्लस हाफ ए इक्वल टू ए। तो एक तरीके से ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस हो गई, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट? क्या ए प्लस ए डैश और इसको मतलब हाफ को कॉमन ले, देखो आप कैसे भी कर लो, आप कह रहे हो कि इन दोनों को मैं हाफ हाफ को कॉमन ले लूं तो ए डैश माइनस ए डैश कट जाएगा, ए प्लस ए टू ए हो जाएगा और बाहर हाफ बैठा ही है, आंसर ए ही आ रहा है, बट मेरे को एक्सप्रेस करना है, मेरे को दो मैट्रिसेस अलग अलग बनानी है, ठीक है ना। प्रूफ करने के लिए तो आप ये काम कर सकते हो कि प्रूफ करना है मुझे कि हाफ बी प्लस हाफ सी जो है वो ए के बराबर है, उसके लिए तो आप हाफ हाफ दोनों का क्या ले लो, कॉमन ले लो और अंदर लिख दो बी प्लस सी, और बी क्या है ए प्लस ए डैश प्लस सी क्या है ए माइनस ए डैश, ये कट गया, ए प्लस ए टू ए और बाहर हाफ बैठा है, टू से टू कट के ए, ये प्रूव करने तक तो ठीक रहेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा, जब आपको एक्सप्रेस करना होगा, तब आपको दो मैट्रिसेस चाहिए ना, तो ए प्लस ए डैश अलग करोगे वो एक मैट्रिक्स मिलेगी, उसका हाफ करोगे वो सिमेट्रिक होगी, और ए माइनस ए डैश अलग करोगे उसका हाफ करोगे वो एक मैट्रिक्स होगी और वो एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इस मैट्रिक्स को अलग बताओगे, बी या सी कुछ भी नाम देगे, इस मैट्रिक्स को अलग बताओगे और आप कहोगे देखो मैंने इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में तोड़ दिया जिसमें ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। सो ए इज इक्वल टू हाफ बी प्लस हाफ सी, बी ए प्लस ए डैश था, सी ए माइनस ए डैश था, हाफ बी सिमेट्रिक था, हाफ सी स्क्यू सिमेट्रिक, तो इस तरीके से तोड़ेंगे। अभी अभी जो मैंने आपको बताया, कोई भी मैट्रिक्स ए होगी उसको उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ के हाफ कर देंगे और वो क्या बनेगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, प्लस ए माइनस ए डैश कर देंगे, हाफ कर देंगे तो वो एक क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या कहता है, तीन तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशंस अपन अप्लाई करते थे, कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस या तो अप्लाइड करते हैं रो वाइज या फिर अप्लाई करते हैं कॉलम वाइज, ठीक है ना। बोथ साइड्स ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है जिसमें LHS एंड RHS में मैट्रिसेस दिखाई दें, वो मैट्रिक्स इक्वेशन होती है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के मैट्रिक्स इक्वेशन पे अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। और बेसिकली कितने तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, तीन तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम देखते हैं। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में, अब अपन रीड आउट नहीं करते हैं, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं ना, किसी भी दो रो और अगर किसी को रीड आउट करना है तो बाद में वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्चुअली देखना है तो, है ना। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स का मीनिंग है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी कोई भी दो रो और, अच्छा, एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिसेस पे अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई होगा, इनवर्स भी केवल और केवल किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिसेस का निकलता है, ठीक है ना। तो किसी भी आई पोजीशन वाले रो को मैं जे पोजीशन वाले रो से इंटरचेंज करा सकता हूं और किसी भी आई पोजीशन वाले कॉलम को मैं जे पोजीशन वाले कॉलम से इंटरचेंज करा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। उस मैट्रिसेस, उस मैट्रिक्स इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा मैट्रिक्स में तो फर्क पड़ेगा, इसको समझो, सपोज करो मैंने लिखा यहां पे सम मैट्रिक्स इक्वल टू यहां पे सम मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो मैंने इसके अगर दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स पिछली मैट्रिक्स से अलग मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स पिछली मैट्रिक्स से अलग, दो मैट्रिक्स इक्वल तो तब होती है ना जब सारे एलिमेंट सेम हो, तो एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए, पूरी रो ही बदल गई, तो ऑब्वियसली पिछली मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स अलग है, बट ऐसा का ऐसा ही एलिमेंट्री ऑपरेशन यहां भी अप्लाई हुआ होगा, तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन की वैल्यू नहीं बदलेगी, इन दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू बदल चुकी है, बट जो मैट्रिक्स इक्वेशन थी उस मैट्रिक्स इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है जब LHS RHS दोनों साइड एक साथ वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया जाए, जैसे R1 इंटरचेंज विद R2 इधर किया है
तो आर वन ही इंटरचेंज विद आर टू इधर भी होना चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इधर एक मैट्रिक्स है और उधर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, बी इंटू सी है, तो रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इधर पहली वाली के साथ करते हैं, रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उधर आरएचएस में पहली वाली के साथ करते हैं, और अगर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, सॉरी इनटू, अगर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो बाद वाली के साथ करते हैं। तो आप पहले तो डिसाइड करो आपको रो करना है या कॉलम। रो करोगे तो आप एलएचएस में तो एक ही मैट्रिक्स दिखाई देगी, उसके साथ कर दोगे। आरएचएस में आपको दो मैट्रिसेस दिखाई दे रही हैं तो आप पहली वाली के साथ करोगे। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है तो आप किसके साथ करोगे, पहली वाली, और कॉलम करना है तो दूसरी वाली, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज दैट कि किसी भी रो या कॉलम को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है बोथ साइड, LHS as well as RHS, वही सेम चीज। अगर रो कर रहे हो तो पहली वाली, कॉलम कर रहे हो तो बाद वाली, मैट्रिक्स इक्वेशन की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। यानी कोई भी आयथ रो को किसी के कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिमिलरली किसी भी आयथ कॉलम को किसी के कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो से नहीं कर सकते, बस किससे नहीं कर सकते, जीरो से नहीं कर सकते, बाकी किसी भी कॉन्स्टेंट से कर लो, रियल कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, बट नॉट विथ जीरो, ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्या कहता है ये, एडिशन ऑफ एनी रो और कॉलम टू एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी जीरो नॉन जीरो स्केलर। ये क्या कह रहा है कि किसी रो को, और जो रो पे चल रहा है वो भी कॉलम पे, वही चीज कॉलम पे भी चलती है, तो और कॉलम पे एक बार मैं काट देता हूँ, अब समझने में आसानी होगी। किसी भी रो को किसी दूसरी रो से एड कर सकता हूँ, किसी भी रो को किसी दूसरी रो से ऐड कर सकता हूं, और जिस रो से ऐड कर रहा हूं उस रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकता हूं। जैसे मैंने R1 में R3 ऐड कर दी, तो एक तो सिंपली ऐड कर दो R1 प्लस R3, एक मैं ये भी कर सकता हूं कि R3 को पहले किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आओ, 3 से मल्टीप्लाई करके आओ, फिर ऐड करो, ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन वो जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि कोई आईथ रो है उसको मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं तो ऐड कर रहा हूं किसी दूसरे रो से, और जिस भी रो से मैं ऐड उसको कर रहा हूं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई होकर आ रही है, चाहे वो वन से ही मल्टीप्लाई हो, वन से मल्टीप्लाई हो मतलब सेम टू सेम ही ऐड हो गई, पर वो नॉन जीरो से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। और सिमिलरली ये काम कॉलम में भी कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे हम ईच एलिमेंट्री ऑपरेशन वन एट ए टाइम यूज करेंगे, जब अपन एक्सपर्ट हो जाते हैं तो अपन टू एट ए टाइम, इवन थ्री एट ए टाइम भी यूज कर लेते हैं एक ही स्टेप में, नहीं तो हम वन एट ए टाइम यूज करेंगे, तीनों में से कोई सा कभी भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, राइट। ये लिखा हुआ है देखो, आर आई प्लस के आर जे, और कॉलम में भी सी आई प्लस के सी। How to apply elementary row operations in a matrix equation? अगर कोई matrix is equal to product of two matrix operations है, तो row operations में हम पहले वाले से apply करेंगे और column operation में हम बाद वाले से multiply करेंगे। अभी बता दिया आपको, वही same चीज है। In this case, we will apply the same elementary operation on matrix A in RHS, which have been applied on matrix X in LHS. LHS में तो X ही है, उस पे अप्लाई करना है। आरएचएस में ए इंटू बी में से किस पे अप्लाई करना है, ए पे अप्लाई करना है, देयर विल बी नो चेंज इन मैट्रिक्स बी। और कॉलम में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इन दिस केस वी विल अप्लाई द सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन विच मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी इन आरएचएस विच हैज बीन अप्लाइड ऑन मैट्रिक्स एक्स इन एलएचएस, ठीक है, विच हैज बीन अप्लाइड on matrix X. ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको, है ना, कि apply कैसे करते हैं, होते कौन कौन से तीन, but apply कैसे करेंगे, कब करेंगे, equation में ही करेंगे, simply कोई matrix रखी हुई तो ऐसे नहीं apply करते हैं, कब करेंगे, equation, मतलब दो जगह एक साथ apply होंगे, row कर रहे हो तो पहली वाली से के साथ LHS का, column कर रहे हो तो बाद वाली के साथ LHS में, तो एक ही है तो उसी से, ठीक है, राइट। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब होता है,
पहले तो बताओ कब होता है, क्योंकि सारी मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं होता, जिनका इनवर्स होता है उनको कहते हैं इन्वर्टिबल, जिनका इनवर्स होता है उनको क्या कहते हैं इन्वर्टिबल, जिनका नहीं होता उनको कहते हैं नॉन इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल कब होगी कोई मैट्रिक्स, जब किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बोथ वे में, बोथ कॉम्यूटेटिव वे में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे बराबर आए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए, ठीक है, ए इंटू बी करूं या बी इंटू ए करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है देन आई विल से कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी, इन दिस केस मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड वाइस वर्सा भी हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स का नोटेशन होता है ऊपर माइनस वन की पावर लगा देना, ये होता है इनवर्स का नोटेशन, ठीक है ना। ऑल्सो वी कैन कंक्लूड दैट मैट्रिक्स बी इज इन्वर्टिबल। देखो अगर इसका मैट्रिक्स मौजूद है तो मैं कह दूंगा कि बी इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स मौजूद है या निकाला जा सकता है वो इन्वर्टिबल है, जिसका नहीं है उसको निकाला नहीं जा सकता, उसका इनवर्स मौजूद नहीं है और वो इन्वर्टिबल नहीं है। कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है ऐसी, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिसेस का ही होगा, दूसरी बात एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस लगाते टाइम लगाए जा रहे हैं, किसी भी स्टेप पे किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो बन जाए, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो बन जाए, समझ लेना कि इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता और वो नॉन इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स मौजूद ही नहीं। दो हिंट है हमारे पास, पहली तो स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा इनवर्स लगाया जाओ मतलब सॉरी एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगाया जाओ, किसी न किसी स्टेप पे क्या होगा इनवर्स से पहले ही एक ऐसी स्टेप आ जाएगी जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, रो के होंगे या कॉलम के होंगे, ठीक है। ऑल्सो वी कैन कंक्लूड दैट मैट्रिक्स बी इज इन्वर्टिबल एंड मैट्रिक्स ए इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, उल्टा लिखा है। Also we can conclude that matrix B is invertible and matrix A is inverse matrix of matrix B. मतलब उल्टा भी कर सकते हो आप, है ना, ठीक है, समझ में आया ना। अरे मतलब ये है कि A into B और B into A दोनों अगर I आ जाएं, that means A and B both are invertible, A का inverse है B, B का inverse है A, ले दे के बात ये, चलते हैं आगे। How to find out the inverse of a matrix by using elementary operations? ये सब हाँ omitted है, करना क्या है बस ऐसे देख लो करना क्या है। देखो हम क्या करेंगे, हमको कोई matrix given होगी बेटा, हमको कोई matrix given होगी, let us suppose कोई matrix given है। अच्छा identity matrix क्या होती है, ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, उसका नाम आइडेंटिटी क्यों है, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ, वो कोई मैट्रिक्स आ जाएगी तभी तो उसका नाम आइडेंटिटी है। दैट मींस अगर मैं ए इंटू आई करूं तो ए ही मिलेगा, या मैं आई इंटू ए करूं तो भी ए ही मिलेगा, बोथ कॉम्यूटेटिव वे में क्या मिलना चाहिए, और वो तो अगर उधर मिलेगा तो उधर भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी कोई भी मैट्रिक्स गिवन है ए, कोई भी कहता है इसका इनवर्स निकालो, तो आप उसको ए इंटू आई की फॉर्म में लिख सकते हो लिख दो, या आई इंटू ए की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आप ए इंटू आई की फॉर्म में लिख रहे हो तो फिर रो ऑपरेशन लगेंगे, और अगर आप आई इंटू ए की फॉर्म में लिख रहे हो तो ए इंटू आई की फॉर्म में लिख रहे हो तो कॉलम लगेंगे, क्योंकि आप बाद वाले पे अप्लाई करोगे ना, आपको आई पे अप्लाई करना है, इधर आई पे अप्लाई करना है, इधर ए पे अप्लाई करना है, तो बाद वाले पे अप्लाई करोगे तो इधर कॉलम लगेंगे अगर इस फॉर्म में लिख रहे हो, और अगर इस फॉर्म में लिख रहे हो तो फिर रो ऑपरेशन लगेंगे। लगाए जाओ, इस पे कुछ लगाया, इस पे कुछ, उस ए को एज इट इज लिखे जाओ, इधर लगाते लगाते ये जो ए है ये नीचे आई बन जाए, क्या बन जाए, तो वो वाला आई कुछ दूसरा कोई बी नाम का मैट्रिक्स बन चुका होगा, उस ए को तो एज इट इज ही लिखा है,
अब ये भी बताया था मैंने कि अगर a इंटू बी या b इंटू ए आई हो जाए तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं. दैट मीन्स अब जो ये मैट्रिक्स दिखाई दे रही है दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस. अब वो आप करना नहीं है इस साल तो, बट कॉन्सेप्चुअली याद करो दिस इज द प्रोसेस. ठीक है, ये है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. एक ऑर्डर फॉलो करते हैं अपन, टू बाई टू में हम ये ऑर्डर. अब ये करें कैसे, तो ऑर्डर फॉलो करते हैं कि हम सबसे पहले इस एलिमेंट का काम करेंगे, फिर इस एलिमेंट का काम करेंगे, फिर इस एलिमेंट का काम करेंगे, फिर इस एलिमेंट का काम करेंगे. काम करेंगे का मतलब इसको बदलना कैसे, इसको वन बनाना है तो पहला दिमाग लगाएंगे इसको वन बनाने में, इसको क्या बनाना है जीरो, तो अगला दिमाग लगाएंगे इसको जीरो बनाने में, फिर इसको क्या बनाना है तो अगला दिमाग लगाएंगे इसको वन बनाने में, उसको क्या बनाना है जीरो, तो अगला दिमाग लगाएंगे इसको जीरो बनाने में. थ्री बाय थ्री में हम ऑर्डर ऐसे लिखेंगे, पहले इसका काम यानी इसको वन बनाएंगे, फिर इसको जीरो बनाएंगे, फिर इसको जीरो बनाएंगे, फिर इसको क्या बनाना है वन बनाएंगे, फिर इसको क्या बनाना है जीरो बनाएंगे, फिर इसको क्या बनाना है वन जीरो जीरो जीरो. इस ऑर्डर से जब अपन चलेंगे तो हमारे मिनिमम कैलकुलेशन होगी. क्या होगी, मिनिमम कैलकुलेशन. मैं क्या कह रहा हूँ, ऑर्डर कोई भी यूज करो, कर तो कैसे भी कर सकते हो, बट वो है कि आप तीन स्टेप में करते हो या तीस स्टेप में करते हो. इस ऑर्डर से चलोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो होंगे. ठीक है, कई बार तीन ऑपरेशन तीन स्टेप्स में ही आइडेंटिटी बन जाती हो, कई बार पांच स्टेप्स लगते हैं, कई बार छह लगते हैं, कई बार आठ लगते हैं, बट इस ऑर्डर से चलोगे तो मिनिमम लगे. क्लियर है बच्चों, हालांकि हमारे कोर्स में नहीं. और कॉलम वाइज चलो, तो कॉलम वाइज चलो तो कॉलम थोड़ा सा एक्सचेंज कर दो. हम उसमें यहां से यहां आए थे, अब यहां से यहां जाएंगे. वन जीरो अगर कॉलम वाइज चलो तो पहले इसको वन बनाओ, फिर नीचे आने की जगह ऐसे जाओ. देखो एक चीज याद रखो, वन वन से ही स्टार्ट करोगे आप, ए वन वन से. अगर रो ऑपरेशन चला रहे हो तो कॉलम में मूव करो, और कॉलम ऑपरेशन चला रहे हो तो रो में मूव करो. सिंपल सा फंडा है. ठीक है, अभी कॉलम ऑपरेशन चला रहे हो, स्टार्ट तो यहीं से करोगे, रो में मूव करो, फिर इस तरीके से स्क्वायर बनाते हुए इधर आओ. तो इसको वन जीरो वन जीरो, और ये का यही प्रोसेस इधर भी रिपीट होगा. उसमें हम पहले नीचे आए थे, अब ऐसे जाएंगे. मतलब एक कॉलम पूरा किया था उधर और फिर सेंटर पे गए थे, अब एक रो पूरी करो, फिर कहाँ जाओ सेंटर, फिर सेंटर से वापस नीचे आए थे, सेंटर से फिर इधर जाओ, और फिर ऐसे कैसे ऐसे. ठीक है, क्लियर. ठीक है, तो चैप्टर ओवर है, और कुछ यहाँ पे होगा नहीं, और भी है क्या. थ्योरम्स ये हैं कि बेटा कि अगर मैंने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है तो वो यूनिक निकलेगी. क्या निकलेगी, वो यूनिक निकलेगी. जैसे एक ए मैट्रिक्स है, उसका मैंने इनवर्स निकाल दिया बी, तो अब ऐसा नहीं है कि सर इसका एक और इनवर्स निकल गई. इसकी जो इनवर्स निकल गई वो अपने आप में यूनिक मैट्रिक्स है, वो ही इसकी इनवर्स है. किसी और के पास अब अधिकार नहीं कि उसकी इनवर्स साबित हो जाए. ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स यूनिक होती है, होती है तो, अदरवाइज होती नहीं है तो फिर बात अलग. पहली थ्योरम ये. सेकंड थ्योरम ये है कि सेकंड थ्योरम को ऐसे याद रखो कि ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वाली जो प्रॉपर्टी है, जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी है कि ए बी का होल डैश क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश, वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है. ऐसे याद रख लो कि ए बी का होल डैश क्या होता था, बी डैश इंटू ए डैश होता था, तो ए बी का होल इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा. और इसका प्रूफ भी है, बट अब हमारे कोर्स में नहीं है तो अभी अपन नहीं दिमाग लगाते हैं. एंड दैट इज इट, ये आपका चैप्टर खत्म होता है. अब आप टेस्ट लेने के लिए बिल्कुल रेडी होने चाहिए, राइट. कल शायद नहीं होगा, परसों जरूर लेंगे. ठीक है ना, कल तो फिर ऑफ पहले अनाउंस कर दिया था अपन ने, है ना. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट इस चैप्टर से, आपको भी कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी भी किस्म का. वैसे द चैप्टर इज वेरी इजी, जो डिफिकल्ट पोर्शन था वो ऑमिट हो गया, तो अब तो बहुत इजी बचा है. वैसे ही इजी था, बट अब डिफिकल्ट पोर्शन था वो और ऑमिट हो गया, तो और इजी वाला पोर्शन बचा हुआ. अच्छा एक चीज याद रखना, देखो चैप्टर इजी होता है ना तो और चीजों की दखल अंदाजी ज्यादा हो जाती. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स ना रख के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रखते, दूसरी चीजों की दखल अंदाजी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं देने के लिए. समझ रहे हो बात को, तो इस चीज के लिए रेडी रहना यहां भी और बोर्ड में भी. ठीक है ना, मैट्रिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दखल अंदाजी, फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करके उनको सम करना है, प्रोडक्ट करना है, वो सब आ सकता है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय. ठीक है, प्रिपेयर वेल फॉर डे आफ्टर टुमारोज़ एग्जाम.